कि भारत में अघोषित पाक युद्ध, भारत में अघोषित पाक युद्ध अब ज्यादा सहन नहीं होगा, यदि और अगर संग्राम हुआ तो पाकिस्तान नहीं होगा। वाह वाह भाई वाह। पाकिस्तानी आकाओं को होश में आ जाना होगा, कश्मीर से भारत भिन्न नहीं उरस्थल में लाना होगा, और वापस लेने सेनाओं को या काम तमाम वही होगा, यदि और अगर संग्राम हुआ तो पाकिस्तान नहीं होगा। हर बार युद्ध में हार चुका, लातों का भूत नहीं माना, आतंक का नंगा नाच किया, भारत की ताकत ना जाना, और कितने लाशों में बदल गए, आगे अंजाम वही होगा, यदि और अगर संग्राम हुआ तो पाकिस्तान नहीं होगा। कितने वर्षों की हाय हाय एक दिन में ख़त्म हो जाएगी, और जो भूमि गंवाई भारत ने वो भर पाई हो जाएगी, अब चूक गए इस बार अगर, भारी अपमान यही होगा, यदि और अगर संग्राम हुआ तो पाकिस्तान नहीं होगा, तो पाकिस्तान नहीं होगा। मित्रों, 1971 में और 65 में जो युद्ध हुए, उनमें सरगोधा और चकलाला पर नेटो ने बम बरसाए थे, 13 लाखों पाकी सैनिक भारत से शीश झुकाए थे, माफ़ी दी थी तब भारत ने, आगे यह काम नहीं होगा, यदि और अगर संग्राम हुआ तो पाकिस्तान नहीं होगा। मुल्तान की गर्मी सह सह कर कश्मीर की हसरत करते हैं, और कश्मीर के गम में बेचारे ना जीते हैं ना मरते हैं, ये चाहे कितना कुछ कर लें पूरा अरमान नहीं होगा, यदि और अगर संग्राम हुआ तो पाकिस्तान नहीं होगा। हमारे देश के नेता लोग बोलते हैं कि हम सीमा रेखा का सम्मान करते हैं। देखिए, आप लोगों की तरफ से मैं कुछ कहता हूँ कि हट छोड़ो सीमा रेखा की, यदि शत्रु नहीं सम्मान करे और इज्जत दे इज्जत मिलती है, वो तनिक ना इस पर ध्यान धरे तो लहरा दो तिरंगा पाक, लहरा दो तिरंगा पाक मध्य, अंतिम अभियान यही होगा, यदि और अगर संग्राम हुआ तो पाकिस्तान नहीं होगा, तो पाकिस्तान नहीं होगा। और अंत में, अंतिम हिंदू सम्राट वही जो शब्द वेद में माहिर था, और गोरी को हराया बार कई ये दुनिया भर में जाहिर था, छोड़ा नादानी थी भारी, आगे यह काम नहीं होगा, यदि और अगर संग्राम हुआ तो पाकिस्तान नहीं होगा, तो पाकिस्तान नहीं होगा। धन्यवाद।